عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره ولا ذلك रसूलबील करीम والشاكرين शाहिदीन व رب العالمين आज की इस बाबरकत नशस्त में हमारी मारूज़ात कावान तोबा है मारूजी हालात में तोबा की बड़ी सख्त ज़रूरत है इसतफ़ार की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि इंसानियत दल दल में घुटनों गुटनु धंस चुकी है अल्लाह की नाफ़रमानियाँ उरूज पे हैं अल्लाह आलमीन के अहकाम की शर्म तोहीन की जा रही है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात का तमस्वर उड़ाया जा रहा है और मुसलमान जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तलीमत पर अमल करने का इरशाद फरमाया गया वो भी इस्लाम दुश्मनों और अगर की देखा देखी में फ़िक्री इंतशार का शिकार है ग़लत राहों के ऊपर उसकी पेशकदमी है इसलिए आज की इस नशस्त में हमारी कोशिश ये होगी कि इस इसवान पर अर्ज़ करें कि मुसलमान तो अल्लाह का ग़ुलाम नबी का ग़ुलाम है इसलिए तो अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के सामने अमल पैरा होने वाला बना दे और ज़िंदगी के इन लम्हात में तुझसे जो कोताहियाँ सरजद होती हैं कुछ कमी कोताही वाक़ होती है ऐसे हाल में तू रजू अल्लाह कर इनाबत अल्ला इख्तियार कर अल्लाह की बारगाह में तोबा तायब हो जैसे कुरान हकीम की आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की है कि तो वो ही जमीआ अल्लाह आलमीन ये फरमाते तुम सब अल्लाह की तरफ तोबा करो अल्लाह की तरफ रजू करो लकम तुफ्ल ताकि तुम कामयाब हो जाओ मालूम यह हुआ कि तोबा जो है ये कामयाबी का ज़ीना है कामयाबी की सीढ़ी है और कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने यह बात भी इरशाद फरमाई है इस तगफिर रब मतोबोलई इसमें दो चीज़ों का इरशाद है एक फरमाया कि अल्लाह से बख्श तलब करो और दूसरा फरमाया कि उसकी तरफ तौबा करो और फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या इर्शाद आमनू आ मनु तौबतन नसूहा ए अहले ईमान अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ अल्लाह की तरफ मुड़ जाओ अल्लाह से तोबा करो और तोबा भी मजबूत कच्ची तोबा नहीं मुहदसने के ने इस मौका पर इरशाद फरमाया कि जब इंसान और अल्लाह का मामला हो और इंसान की ज़िंदगी में कुछ कोतियाँ सरजद हों जिनका माम ताल्लुक़ अल्लाह बंदे और बंदे के साथ ना हो बल्कि बंदे का ताल्लुक उन मामलात में अल्लाह के साथ हो तो फरमाया कि तोबा की एक शर्त उसमें यह है कि बंदा अपने सबका गुनाहों पर नदामत का इजहार करे कि आइंदा जो कुछ हो चुका इससे पहले मुझे उस पर बड़ी शर्मिंदगी है नदामत है शर्मसारी है और उसके बाद अनिल मासिया का लफ्ज़ मुहदसिन ने लिखा कि मासियत जिसका वो शिकार है जिस मासियत में वो पड़ा है उस मासियत से उसके चलते क़दम रुक जाएं, जिस वुना वा, की वादी की तरफ वो बढ़ रहा है उसकी तरफ़ उसके बढ़ते क़दम रुक जाएँ जिस गुना की वादी की तरफ वो लपकना चाहता है वो अपने आप को वहीं रोक ले आगे ना बढ़े यूँ आप कह सकते हैं कि तोबा की जो शरात हैं उनमें एक शर्त मुहद्दसिन ने यह बयान की कि जिन गुनाहों की दलदल में वो गुटने गुटने दनस्ता चला जा रहा है सबसे पहले तो उन गुनाहों से अपने आप को रोक ले अपने आप को बचा ले कि जो हुआ सो हुआ अब एक कदम भी गुनाह की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा नंबर दो अपने सबका गुनाह पर नदामत का इजहार कि जो हुआ ये बड़ी गलती है बड़ी कोताही है और तीसरी शर्त इसकी ये है अय्या हज़मा कि इस बात का वो आज़म करे अल्लाहऊ दिला अबदा कि इस गुनाह की तरफ वो अब कभी भी नहीं जाएगा अब ये तीन शराब तोबा के लिए उस बंदे के लिए हैं जिसके मामलात का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ है और मुहदसिन ने यहाँ ये बात भी लिखी कि जिस आदमी का मामला अल्लाह की मखलूक के साथ मुत्लक है उसके लिए तीन शर्तें यही एक शर्त और ये भी है कि वो बंदा उस मुबतला भी ही बंदे को मुतव करें मिसाल के तौर पर किसी आदमी को सब शितम किया है तो उससे मादरत करे कि मैंने तुझे गाली दी है मुझे माफ़ कर दे किसी के पसे पुशत अगर बदगोई की तो उससे जाकर माजरत कर ले कि मैंने पसे पुशत तेरी बदगोई की है और तेरे खिलाफ़ प्रोपी गंडा किया है तो मुझे माफ़ कर दे जो बंदे के साथ बंदे के मामल मुतल हैं उसमें उन तीन शरात के अलावा चौथी शर्त यह है कि जिस बंदे के साथ उसका मामला मुत्ल है उलझन है तो सुलझाओ का तरीका ये बताया गया कि उससे जाके मादरत करें अगर किसी की गीबत की है तो जाके माफ़ी मांगे बदगोई की है तो जाके उससे माफ़ी मांगे अगर उसके खिलाफ गलत प्रोपी गंडा किया है तो उसकी तशफ़ी करें और उसके बारे में जो कुछ उसने किया उसका इजाला करें अगर किसी आदमी का माल खाया गसब किया हड़प किया नाजायज़ तरीके से किसी का माल हत्याया, तो ऐसे आदमी को या तो माल लौटा दे या फिर जाके उस माल के लिए इजाला करवा ले कि उस माल की माफ़ी करवा ले या हिबा करवा ले हदिया करवा ले तो ये चार शर्तें उस बंदे के लिए फरमाया जिस बंदे का मामला किसी बंदे के साथ मुतालिक तो मालूम ये हुआ कि तोबा जो है बंदे के लिए हर हाल में ज़रूरी है चूँकि बंदे का जब अल्लाह के साथ मामला मुतालिक होता है तो अल्लाह को रहीम कहते, है। कहते हैं तायब मिनब्ब कहते हैं गुनाह से तोबा होने वाले की माफ़ी कबूल करने वाला कहते हैं तो इस सूरत में उसके लिए तीन शरात हैं और जिस बंदे का बंदे के साथ मामला मुतल है उसके लिए चार शरात हैं इसलिए कि ये मामला बड़ा सख्त है जैसे एक हदीस पाक में आता है अलगीबत अशद मिन जीना के गीबत जो है बदगोई जो है पसे पुष्ट किसी मुसलमान के लिए कोई गलत कलेमात की अदायगी जो है फरमाए ये बदकारी से बड़ा जुर्म है मुहदसिन कराम ने इस हदीस पाक की शरह में ये लिखा कि भाई क्यों ये बड़ा जुर्म है हालांकि बदकारी बड़ा जुर्म है उस पर सज़ा है शादीशुदा बदकारी करे तो उसको संसारी की सज़ा अगर गैर शादी शुदा करे तो उस पर उसको कोड़ों की सज़ा मिलती है तो ये बड़ा गुनाह कैसे हो गया गयात इसके ऊपर तो ए, कोई कुरान और हदीस में इस तरह की सज़ा मुकर्रर नहीं है तो महदसिन ने यहाँ लिखा चूँकि जब बदकारी आदमी ने की उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी जब सजा मिल गई बंदे को तो अब सज़ा मिलने के बाद आखरत में उसकी पकड़ नहीं होगी कि दुनिया में जब उसको सज़ा मिल गई मगर गीबत करने वाला आदमी अपने मुसलमान भाई के पसे पर्दा पसे पुश्त गुफ्तु करने वाला उसकी तो उस बड़े जहान में आख़रत में भी बख्शिश उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो इस अपने भाई से माफ़ी ना चाले इसीलिए तो गीबत करने वाले के लिए फरमाया कि अपने भाई का गोश्त खा रहा तो गीबत इस वजह से बड़ा जुर्म है कि गिबत करने वाले को अल्लाह भी उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाते जब तक उसको वो बंदा माफ़ ना कर ले जिसकी उसने गीबत की थी और वो जो अल्लाह के साथ मामला मुतालिक है उसकी सज़ा अल्लाह ने जब मुकर्रर की तो आखरत में उसको सज़ा मिलने वाली नहीं तो बहर हाल दुनिया की ए, इस दुनिया के इस मैदान में इंसान से कुछ कमी को तही का सदूर हो जाता है गलतियाँ हो जाती हैं छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह इस इंसान से ये चाहते हैं कि ये दुनिया के अंदर अपनी सफाई और सुथराई कर ले तो उसका बेहतरीन तरीका तो ये है तो वो जमिया तुम सब लोग अल्लाह की तरफ मजमू लिहाज से तोबा कर लो सारे करो इनफरादी एतबार से मजमू एतबार से भी करो अगर मिन हैसुल कौम मिन मजमू जराय में मुबला है तो मीन हाइसमजमू तोबा तायब होने की ज़रूरत है अगर इनफरादी तौर पर बंदा जराय में मुल्वस है और मुबतला है तो वह इनफरादी तौर पर अल्लाह की बारगाह में तोबा तय रहमत आलमीन सल्ला कितनी बड़ी हस्ती हैं जिनके लिए किसी शायर ने शेर में भी कहा या साहिब अलजमाल व्या सैदालबर मिन वजहकमिर लक़दनवीरकमर लायुम की नस्ना वकमाकान हक हो बदज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तर अल्लाह के बाद उनका मकाम है अल्लाह के बाद उनका मरतबा है मगर रहमत आलमीन सल्लम की अपनी क्या बात थी सैदना अबू हुरार रज़ी अल्लाह तरशाद फ़रमाते हैं बुखारी शरीफ़ की रिवायत है फ़रमाया समी तो रसूल अल्लाह सल्हल यकूल मैंने आप सल्ला की ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से यह सुना आप इर्शाद फरमा रहे थे वाला अस्तगफ फिर व अतूब फ़िलयोमी अक्सर अमीन सब मर्रा कि मैंने रसूल ज़ुबान से सुना कि मैं अल्लाह से माफ़ी का तलबगार होता हूँ बख्शिश का तलबगार होता हूँ और एक दिन में अल्लाह की बारगाह में सत्तर बार से ज्यादा तोबा करता हूँ असतफिरल्ला अतूबिलई का अस्त फिर अतूब विलई का एल्लाह में तोबा करता हूँ एल्ला में माफ़ी मांगता हूँ सत्तर मरतबा से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से तोबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है अल्लाह ने तो कुरान में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाया कि हमने आपके पहले और बाद वाले सारे माफ़ कर दिए सारी कोताहियाँ ख़त्म कर दीं और अल्लामा फ़खरुद्दीन राजी रतल आफसीर कबीर में लिखा कि अम्बी आलम की शान ये है हम मासूमू कबल लवाही व बादलवा अम्बिया आलम वही से पहले भी मासूम होते हैं वही के बाद भी मासूम होते हैं यानी अम्बिया सलाम मासूम अनिल ना छोटा गुना नबी से सरज़द होता है ना बड़ा गुना सरजद होता है तो फिर अल्लाह रब्लम ने यह कैसे फ़रमाया कि हमने पहले और बाद वाले सारे माफ़ कर दिए तो इसमें अल्लाह के लाडले नबी सल्ला ला बावजूद बावजूद इसके कि वो मासूम हैं छोटे मोटे गुनाहों से अल्लाह ने उनको पाक कर डाला गुना की तरफ गए ही नहीं माफ़ी का परवाना मिला इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि व अतूबु इलाई मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ तोबा करता हूँ अब ये बुलंदी दर्जात के लिए तो हो सकता है लेकिन गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं इसे कि आप तो पहले से ही मासूम हैं आपके गुनाह तो माफ़ हैं इसके बावजूद एक दिन में सत्तर मरतबा से ज़्यादा रहमत आलमीन सल्लासम अल्लाह की बारगाह में इस्तफ़ार भी करते हैं और तोबा भी करते हैं तो जैसे इस्तफार में सीन तलब की है कि अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करना अल्लाह ताली से बख्श तलब करना कि अल्लाह माफ़ी का परवाना अताफरमा तो ये क्यों फरमाया इस कि आप तो मासूम अनिल खता हैं आपसे छोटा मोटा कोई गुना सरजत नहीं होता लेकिन मुहदसिन लिखते हैं अल तोबा वार इसमें आपने अपनी उम्मत को तोबा और इस्तफ़ार करने की तरगीब दी जितनी ज़्यादा आप सल्ला करते थे तोबा और इस्तफ़ार मकसूद और मतलूब ये था कि मुझे अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा क़र्क मिले और मेरी उम्मत जो है वो इस काम के ऊपर आ जाए अल्लाह रबीन उनको माफी का परवाना फरमाया और हजरत अगर रदी अल्लाह उन्होंने नबी पाक सल्ला से ये रिवायत की है कि आप ने फरमाया, या ए लोगो तुम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ अल्लाह की तरह लौट जाओ अल्लाह की बारगाह में तोबा करो फर इन अतूब फिल योमी मीतमर्रा मैं अल्लाह की तरफ़ सौ बार एक दिन में माफ़ी मांगता हूँ अब ये सौ बार में भी तहदीद नहीं है क्योंकि आप वसल्लम तो हो सकता है सौ बार से ज़्यादा करते हों लेकिन इस रावी के कान ने अगर अपने यसार मज़नी रज़ी अल्लाह कानून ने जो आपकी ज़ुबान से सुना उस में सो बार की कलीमात अबू हुरर रज़ी अल्लाह ने सत्तर बार से ज़्यादा का जिक्र किया तो इसमें भी आप सलील वसम ने इरशाद फर्मा तो भल्ला तुम तो सब लोग अल्लाह की तरफ़ तोबा करो मैं एक दिन में सौ मरतबा अल्लाह की बारगाह में तोबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में रुजू करता हूँ जैसे मैं अर्थ कर चुका हूँ कि हजूर तो पहले ही बख्शे बख्शाएं हजूर को तो माफ़ी का परवाना अल्लाह ने अता फरमाया इसके बावजूद आप सलील आल वम ने जो तोबा की तरगीब दी इस्तफार की तरगीब दी और ख़ुद अपनी कदस के बारे में इरशाद फरमाया कि मैं सत्तर बार से ज़्यादा अल्लाह से इस्तफ़ार करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में तोबा करता हूँ और एक दिन में सौ बार करता हूँ ये मुझे और आपको तरगीब देने के लिए कि आप लोग अल्लाह की बरगजीदा और अल्लाह के मुकर्रब तभी बन सकते हैं जब आप इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में जारी करें इंसान को अल्लाह बिल्कुल पाक साफ कर देगा अब एक और इरशाद नबी अलैहि वसल्लम का आप सुने तो आप हैरान होंगे हज़रत अबू हमज़ा अनस सबन मालिक अंसारी रदी अल्लाह ती जिनके लिए फ़रमाया खाद में रसूल सल्लम आप सल्हल के खाद में ख़ास आप फरमाते हैं कि नबी सल्ला व्ल् ने फ़रमाया अफ़रहु बी तोबती अब बिन अदम सक़त अलाबरी वह फि अरद फ़लातिन अब ये बुखारी में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है आप सरमाया कि अल्लाह बहुत ज़्यादा अपने बंदे की तोबा के साथ खुश होते हैं कोई बंदा तोबा करता है अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपने इसकी मिसाल भी बयान कर दी कि जिस तरह वो बंदा देखो कि जो किसी वीराने में मौजूद है फलात का लफ हदीस में आया फलात का लगत की किताब में माना लिखा ऐसा जंगल ऐसा वीराना जहाँ न सरसब्ज व शादाबी हो और न पीने का कहीं पानी दस्याब हो कोई जोड़ भी मौजूद ना हो पहले लुगत ने लिखा कि फ़लात ऐसा जंगल ऐसा वीराना जहाँ ना पानी हो ना सब्ज़ा हो रहा आलमीन सल अल्लम ने फरमाया कि ऐसे वीराने में एक आदमी चला जाए उसके पास उसकी सवारी मौजूद है सवारी गुम हो गई अब गुम हो गई वो परेशान है परेशानी के आलम में अचानक जब उसको उसकी सवारी मिल जाए तो कितना खुश होता है कि जैसे उसका मरा हुआ मुकदर जाग उठा सोया हुआ मुकद्दर उसका जाग उठ उसके तो सारी दुनिया की नेमत मिल गई कि इस वीराने में जब कोई मिलनसार नहीं कोई गमखार नहीं कोई हमदर्द नहीं कोई पुरस्ान हाल नहीं ऐसे हाल में जब उसको अपनी गुप सवारी मिल जाए तो वो खुशी मुसर्रत और इम्बिसात का इजहार करता है आप ने फ़रमाया जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तोबा करता है तो अल्लाह इस बंदे की फ़रत और शादमानी से ज़्यादा तोबा करने वाले बंदे पर ख़ुश होते हैं तो रहा आम सल वम ने यह इर्शाद बना और एक रिवायत में आता है कि ऐसी जगह पर सवारी गुम हो गई कि जहाँ न खाने की चीज़ है न पीने की चीज़ है कोई ज़रा और वसायल इसके अलावा नहीं तो ऐसे हाल में अगर किसी आदमी को सवारी मिल जाए तो वह जिस तरह खुश होता है उसकी खुशी का आलम दीदनी होता है अल्लाह अपने बंदे की तोबा के साथ इससे ज़्यादा खुश अफरा भी तोबत याबदी मिन अहादिक तो इसलिए मुसलमान के लिए तो ये बात ज़रूरी है कि वो अल्लाह से हर वक्त तोबा तयब हो इसमें अगर उसका चूँकि इंसान होने के नाते अल अल्सान मुरकब मिन निस्यान। इंसान अगर कोई कबीरा गुना नहीं करता तो ये उसकी शान है कि वह मुसलमान है कबीरा गुना से अल्लाह नाराज़ हो जाता है अल्लाह का अरश हिल जाता है और खलाओं फजाओं की जो मखलूक हैं वो इस बंदे के लिए बद दुआ करती हैं कि देखो इसने गुनाह कबीरा का इरतक किया तो मुसलमान की तो ये शान नहीं है कि बड़े गुनाह का अरतक करे लेकिन अगर कोई इंसान होने के नाते भूल चूक हो जाती है लग्श होता हो जाती है ख़ता का दूर हो जाता है तो ऐसे में कसरत इस जो है ये उसकी बुलंदी दर्जात का ज़रिया है इसलिए आप सल्ला वम के इन इर्शादात में यही तरगीब मिलती है कि बंदे अल्लाह की तरफ़ तोबा कर अल्लाह की तरफ रज़ू तो कर अल्लाह अल्ला का बन अल्लाह से अपनी ख़ताओं की माफ़ी चाह कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है ख़ताएँ करता है बंदा माफ़ अल्लाह करता है जराय इंसान करता है माफ़ी का परवाना अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त जब यह अल्लाह की बारगाह में रजू कर और फिर आप ये बात सुने हैरान होता है इंसान हज़रत अबू मूसा अशारी रदी अल्लाह की रिवायत है कि आप सल्ला ने फरमाया फरमायाबसत बिल लिय तूब मुसी नाहार व यब सुदू बहार लियूब मुसी उल्लेल ततलु मगरबिहा यह भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी सल्लाम ने फरमाया कि दिन का जो गुनागार है दिन का गुनागार इसके लिए अल्लाह रात को हाथ फैलाता है कि दिन का खताकार रात की तारीकी मेरी में मेरी बारगा में मुतव होगा रात की तारीकी में मुझसे तोबा तायब होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह इस तरह हाथ फैलाते अब ये हाथ फैलाना जो है इसकी कैफ़ियत मद्दसिन लिखते हैं वह आलमीकती हा व कैफियती बस्ती हा ताला किस तरह हाथ फैलाता है इसकी कैफ़ियत अल्लाह ही बेहतर जानता है और अहले इलम ये कहते हैं कि यह किनाया है इस चीज़ से कि अम बस्ती रहमत ही वसी कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है और बहुत ही उसके अंदर गुंजाइश है अल्लाह बंदे की तोबा का इंतज़ार करते जिस तरह इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि जिस तरह माँ अपने बेटे को बुलाती है कि आजा मेरे लाल आजा मेरे चांद हैं और अपनी अपनी ज़ुबानों में माए किस तरह अपने बेटे के साथ प्यार का इजहार करती हैं अल्लाह इस तरह कहते हो मेरे बंदे बहुत दिन को तूने जराइम किए बहुत ख़तएँ की बहुत गुनाह किए अब तो आ जा अब तो आ जा अब तो आ जा इसी तरह रात भर जराइम में मुब्तला आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन को हाथ फैलाते हैं कि मेरे बंदे रात बड़ी सर सरगर गर्दानी में तूने गुजार दी रात तूने बड़ी नाफरमानी में गुजार दी अब तो तौबा कर ले तोबा कर ले अब ये दिन और रात को जो अल्लाह उसकी तौबा का इंतज़ार करते हैं ये तोबा का दरवाज़ा खुला हुआ चल सो चल चल सो चल लेकिन आप वसल्लम ने फरमाया ये तोबा हमेशा नहीं हत्ता ततलु अम्स में मगरबीहा जब मगरब से सूरज तलु होगा बस उस वक्त समझ लो कि तोबा का दरवाज़ा बंद है इस वक्त तक गुंजाइश है मुसलमान कर ले तोबा चूँकि हदीस पाक में आता है सूरज रोज़ाना चलता है चलता है चलता है, चलता मंजिलें तय करता अल्लाह के अर्श के सामने सिजदा रेज होता अल्लाह से इजाजत मांगता है कि मौला मुझे इजाजत दे मैं तलू हो जाऊं, तो अल्लाह की इजाजत मिलती है अगली सुबह को सूरज फिर वहां से तुलू होता है जहां से कल तुलू हुआ था एक वो वक्त आएगा कि सूरज अल्लाह के अर्श के सामने सिजदा रेज होगा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला मुझे अब तुलु होने की इजाज़त मिल जाए अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा तुझे कोई इजाज़त नहीं आज तुलु होने की आज तू उसी तरफ वापस लौट जा जिधर से तू आया यानी अब नई सुबह को तलु होने की इजाज़त नहीं होगी तो ये ऐलान फरमाया कि ये निशानी है तोबा का दरवाज़ा बंद होने की इस वक्त किसी की तोबा कबूल नहीं होगी जिस तरह हदीस पाक में आता है कि मुसलमान या इंसान कह ले कि जब मौत का फ़रिश्ता सर पे आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर मुनकशिफ़ हो जाती हैं खुल जाती हैं जिस तरह गोते लगे दरियाए नील के फिराउन को गोते लगे तो फिराउन ने आमन तो भी रबी हारून व मूसा का ऐलान कर दिया ईमान ले आया कि मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आया हूँ अब उसका ईमान क्यों काबिल कबूल नहीं इसलिए काबिल कबूल नहीं कि उससे जब पानी के हचकोले आए जब पानी ने उसको हरकत दी मौत का फरिश्ता जब उसके सर पर आया तो वो सारे अहवाल जो मूसा सलाम बताया करते थे वो उसके सामने खुलने शुरू हो गए इसलिए वो ईमान लाया मगर ये ऐसा वक्त है फरमाया कि उसका ईमान काबिल कबूल नहीं इसलिए कि अब उसने देख के ईमान लाया ये यूमिन अबिलीब नहीं है बिन देखी चीज़ पर ईमान नहीं है अब तो बहुत सारे अहवाल खुल चुके जिनकी उसको इतला दी जाती थी उस वक्त तो माना नहीं अब जब मौत के थपड़े आए तो उसने कहा कि मैं ईमान लाया तो इस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं इसी तरह कोई बंदा जब नज़ा का वक्त होता है तो उस वक्त सारे हालात खुल के सामने आ जाते हैं कोई आदमी कहे जी अब मैं ईमान लाया अब मैं मुसलमान हुआ तो ये सारी चीज़ें मालम युगर गिर की कैद से बाहर हैं गरगरे की हालत में कोई चीज़ अल्लाह की बार बबले कबूल नहीं है तो फरमाए हत्या तत्ल व शम्स में मगरबिया मुस्लिम शरीफ की रिवायत है फरमाया सूरज मगरब से जब तक तलु नहीं होता तब तक तोबा का दरवाज़ा खुला हुआ है मगरब से सूरज जब निकलेगा तो फरमा अब तोबा का दरवाज़ा बंद है किसी की तोबा काबिल कबूल नहीं है तो तोबा अल्लाह की रहमत जू जो तोबा करता जाएगा अपनी वसातों के साथ इसको अपनी लपेट में लेती रहेगी और इसका सदा बहार नज़ाम है ता वक्त के सूरज मगरब से तुलू न हो जाए तो इसलिए मुसलमान को रहमत लालमिन सल असलम के इन फ़रामीन पर अमल करना चाहिए आप का वाजिर इरशाद है अबूर रज़ी अल्लाह रिवायत है मन ताब कबल अन शम्स शम्प मग़रबिया ताबल्ला मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि सूरज मशरक से तुलु होने से पहले पहले जब बंदा तोबा करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ रजू करते हैं और उसकी तोबा को कबूल कर लेते हैं इससे कि अल्लाह ते बंदू की तोबा कबूल करने वाले अल्लाह ताला तगफरत फरमाने वाले हैं फरमाने वाले और नबी पाक सल्लम का जैसे मैंने भी आपकी ख़िदमत में अर्ज़ किया कि ईमान तोबा ये सारी चीज़ें कब तक कबूल हैं उमर बिन ख़ाब रजी ने भी ये बात देकर फ़रमाई है कि अल्लाह के लाडले नबी सल्ला वसम ने जल यकबल यकबल युगरगिर जब तिरमिदी शरीफ की रिवायत है कि जब तक गरगरे की हालत बंदे की नहीं आ जाती निज़ा का वक्त नहीं आ जाता आँखें फट नहीं जाती एक वक्त आता है निज़ा जब आँखें खड़ी हो जाती हैं यू छत की तरह लग जाती हैं ये निज़ा का वक्त आँखें पथरा जाती हैं चार हो जाती है उन मलाइका के साथ जो इसकी रूह कबज़ करने के लिए आए जो मलकुल मलखलम रूह कबज़ करने के लिए आया ये उसकी तरफ़ देखता है टिक टिकी बांध के बट नज़र वहाँ ठहर जाती है और निदा का वक्त फरमा इस वक्त तक उसकी तोबा कबूल है इसके बाद नहीं चूँकि अब ये सारा मंजर देखने लगा है जे जिसके ऊपर पहले पर्दा पड़ा हुआ था इसी तरह अब आप देखें कि अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदू पर कि नबी पाक सल्ला वसम ने इर्शाद फरमाया कि एक बंदा पहले लोगों में जिसने ननानवे आदमी क़त्ल किए थे ननानवे आदमी अब जब उसकी ज़मीर ने उसको मलामत किया तो उसने पेशकदमी की कि, कि मैं जाके किसी से पूछूं मसला मसला मालूम करने के बाद मैं कोई तोबा तायब हो जाऊँ चलता गया रास्ते में उसको ईसाई मज़हब का एक बंदा मिला आलिम मिला जिनको राहिब कहते हैं तो उससे मसला पूछा कि जनाब मुझे बताओ कि मैंने ननानवे क़त्ल किए हैं मेरे लिए कोई इसकी माफ़ी की सूरत बन सकती है तो के में से उसको मिला ईसाइयों के में से एक बंदा उसको मिला तो उसने एक राहब का बताया कि भाई वो हमारा राहब है जो बड़ा बुज़ुर्ग उस मज़हब का तो उसके पास जा फ़काल आता वकाल वो उसके पास आया और उसने कहा कि जी मैंने ननानवे बंदे कत्ल कर दिए तो बताएं कि मेरी कोई माफ़ी की शबील है मेरी कोई तोबा की शबील है क्या ये ननानवे कत्ल ननानवे ख़ून जो हैं ये मुझे माफ़ हो सकते हैं तो उस राहिब ने कहा ला नहीं ये तो माफ़ नहीं हो सकते ये तो बहुत ज़्यादा तूने जुर्म कर दिया इतने लोग तूने मार डाले इसकी तो माफ़ी नहीं है अब क्या किया इसने इसकी आंखों पर ख़ून पहले ही चढ़ा हुआ था अब ननानवे वो थे सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए इसकी भी गर्दन उड़ा दी उसने कहा चल अगर वो ननानवे माफ़ नहीं तो एक उसके साथ और जमा करो सौ बना दो अब इसके सौ कतल हो गए सौ खून हो गए लेकिन ज़मीर इंसानी जो है वो तो उसको मलामत करता जा रहा है उसको जब सौ की सेंचुरी मुकम्मल कर दी फिर ज़मीन में जो अल्लाह के कोई बंदे जानने पहचानने वाले अहल इलम थे ना उसने उनसे पूछा जी कि ये अब तो मैंने कत्लों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है तो अब बताएं कि क्या किया जाए तो फदुल्ला रजुल हदीस में आता है एक आलिम आदमी की तरफ उसकी रहनुमाई की गई तो उसने उसको जाके बताया कि इनहू कतल मियाँ नफ्स कि भाई मैंने तो सौ आदमी कत्ल कर डाले हैं तो मेरी कोई तोबा है उसने कहा अहलाम एल, जो थे उनमें से उस साइल ने जिससे सवाल किया तो मुजीब ने जवाब ये दिया कि क्यों नहीं तोबा तो कबूल हो सकती है कौन है जो तेरे और तेरी तोबा तेरे और तेरे अल्लाह के दरमियान हाय हो और तेरी तोबा कबूल ना हो उसने कहा बताओ जी ठीक है अब ये खुश हो गया उसने कहा जी कि आप यहाँ से चले जाएँ फ़लाँ ज़मीन पर फलाँ जगह पर आप चले जाएँ वहाँ कुछ लोग हैं कि जो अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं तू भी उनके साथ मिल के अल्लाह की इबादत में शरीक हो जा फलाँ जगह पर कुछ अल्लाह के मुखल बंदे अल्लाह की बंदगी में परस्तारी में सिजदा रेज़ी में और इन ख़िना और झुकाव में लगे हुए हैं तो भी उनके साथ जाके शरीक हो जा तरजीला अर्दिक अपनी ज़मीन की तरह तू ने मुड़ कर नहीं आना क्यों फा अर्द सो ये जिस ज़मीन में तूने ये कतल व कताल कर रखा है खून आशामी की लहरें दौड़ रही हैं और तेरी तलवार की धार से इतने खून हो चुके हैं फ़रमाया कि यह गुनागारों की धरती है गुनागारों की सरजमीन है तो इबादत गुजारों की धरती पे चला जा माहौल दिया ताकि माहौल में जाकर इसके ऊपर ये जो खून खुआारी का ज़रा दब्बा लग चुका है ये जब जाएगा आँखों के ऊपर जो खून हुआ ये आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा तो फिर यह राय रास की तरफ आएगा अब जनाब फ़न तलाका हतः न सफ़त तरीक अतामऊत फ़ख्त तमत फ़ी मलाका रहम वलमलाकदम अब ये चल पड़ा उस ज़मीन की तरफ जहाँ इबादत गुजार अल्लाह की बंदगी में लगे हुए अब आधा रास्ता ही तय किया था कि अब फरिश्ते आगे फरिश्ते आगे अब फरिश्ता जब मौत का वक्त उसको आया तो अब दो फरिश्ते आए क्योंकि पहले मौत आ गई आधी ज़मीन सर की तो मौत आई अब फरिश्ते दो आगे इसको आगे वाली मंजिल तक पहुँचाने के लिए एक रहमत का फरिश्ता और एक अजाब का फरिश्ता अब इन दोनों में ये झगड़ा पैदा हो गया रहमत वाले फरिश्ते इसको खींचना चाहते हैं अपनी तरफ और अजाब वाले फ़रिश्ते खींचना चाहते हैं इसको अपनी तरफ अजाब वाले फरिश्ते इसे खींचना चाहते हैं ये तो बड़ा गुनागार है इसने तो इतने लोगों का खून किया इसकी तो बख्शिश की कोई सूरत नहीं इसको तो अजाब ही अजाब देना है अब रहमत वाले फरिश्ते उसके इस सिद के नीयत से पेशकदमी को देख रहे थे कि ये अर्ज सू से चला और अर्ज इबादत गारों की तरफ़ बढ़ा आधा रास्ता तय कर लिया अब क्या किया अब फ़रिश्तों का जब दरमियान मुखासमत शुरू हुई और बह में निज़ा पैदा हो गया तो अब फैसला क्या किया गया कि जनाब इस ज़मीन को पैमाइश करो जहाँ से चल के आया वो ज़्यादा है या वो ज़मीन का हिस्सा ज़्यादा है जहाँ इसने चल के जाना था ख़ुदा की शान देखिए कि जब उसकी रूह निकल रही थी तो वह इस तरह ज़मीन पर गिरा कि वो सीने के बल इतना आगे हो गया कि जिससे रहमत के फरिश्तों ने उसको अपने दामन में उठा लिया कि लो जी ये तो अब हमारे पास ही आएगा इसलिए कि यह जो ज़मीन का टुकड़ा है ये कम फासला रह गया और जो तय कर करके आया ये ज़्यादा फ़ासला था तो अल्लाह रबुलमीन तो इस तरह माफ़ी के परवाने अता फरमाते हैं फरिश्ते को बेच देते हैं कि जाओ जा कर तुम इसके साथ ए, इस तरह मेहरबानी वाला मामला करो हदीस पाक में तो था, फना अतः फनाआब ही नखवा कि जिस ज़मीन की तरफ वो बढ़ रहा था अपने सीने के साथ उसकी तरफ बढ़ा और रहमत वाले जो फरिश्ते थे उन फरिश्तों के हक़ में फ़ैसला हो गया तो इसलिए मुसलमान को ये चाहिए कि मुसलमान अल्लाह के अहकाम अल्ला को पूरा करता रहे और रमत लालमीन सल्ला वम के इरशादात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे और ज़िंदगी की गाड़ी चलती जाती है इसमें किसी ख़ता का सदूर हो जाता है तो इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगे अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है और अल्लाह के लिए अच्छा गुमान रखे कि अल्लाह मुझे माफ़ करने वाले जैसे हदीस पाक में आता है आना इन दबदी वी व आना माहू बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ मैं उसके करीब होता हूँ मुझे याद करता है दिल में तो उसे दिल में याद करता हूँ मजलस महफिल में याद करता है तो इसकी मजलस महफिल से जो बेहतर महफिल है मैं अपने बंदे को वहाँ याद करता हूँ यानी फरिश्तों की महफिल में और वमा माँ वन तकर्रब इ शबरन तकर्रब तो जीअन मेरा बंदा जब मेरी तरफ एक बालिश मुतवज्जे होता है तो मैं एक बाजू की मिकदार इसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ व इन तकर्रब इरा तकर्रब तो बान जब मेरा बंदा मेरी तरफ़ एक बाजू मुतवज्जे होता है तो मैं दो बाजू की मिकदार इसकी तरह मुतवज्जे होता हूँ व इन अतानी यमशी अति तो हर वलतन अगर मेरा बंदा मेरी तरफ़ चल कर आता है तो अल्लाह तसल्ली देते हैं कि हर वाला मैं दौड़ के आता हूँ यानी सूरत के साथ मेरी रहमत इसको अपने दामन में लेती है तो अल्लाह के लिए बंदे को अच्छा गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह मेहरबान है और हदीस पाक में तो इसकी भी बड़ी वजात आई कि अल्लाह सत्तर माऊ से ज़्यादा अपने बंदे के साथ प्यार कर अब देखें ना माँ और अल्लाह का प्यार कैसा अजीब है कपड़े के साथ गंदगी लगी हो तो माँ नहीं उठाती पहले दुलाती है साफ़ करती है फिर बच्चे को उठाती है गंदा बच्चा गोद में नहीं उठाती मगर अल्लाह उसकी रहमत का दामन और उसकी रहमत की गोद कैसी अजीब है कि इस इंसान के इस जल्द के अंदर किस तरह की फैक्ट्रियाँ गोबर पेशाब पाखाना खून पीप हर तरह की फैक्ट्रियाँ इंसान के अंदर चल रही हैं ऊपर ये पर्दा है मगर अल्लाह से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं पर्दा मेरे और आप के लिए आँखों से जो खिफा है वो मेरे और आप के लिए है अल्लाह की बारगाह में तो कोई चीज़ मख्फी नहीं कोई चीज़ पोशीदा नहीं अल्लाह बर रास्त देख रहा है मगर कितना मेहरबान है कि बंदे को कहता है मेरे बंदे आ जा मेरे बंदे तोबा कर ले मेरे बंदे इस्तार कर ले मेरे घर में आ जा मेरी रहमत के दरवाजे पर आ जा तो इस तरह अल्लाह रब्लमीन अपने बंदे के साथ प्यार वाला मामला करता है तो क्यों ना बंदा अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे अल्लाह की बारगाह में सरकशी छोड़ दे इज़्दानकसारी ले कर आए प्यार ले आए जैसे रहमत लाआलमीन अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए तो क्या अर्थ किया था अर्श बरी पे लिल्ला मौला जुबान की सारी इबादात तेरे लिए तयबात लिल्ला व सलावात बदन की इबादत सारी तेरे लिए व तयबात माल की इबादात सारी तेरे लिए जब ये इज्ज़ इनकसारी सारी चीज़ों का मरकज़ और मावर अल्लाह की बारगाह को करार दिया तो अल्लाह ने इसका एजाज़ बख्शा अलैहि वसल्लम को असलम का अय्यूहन नबी मेरे नबी आप पर सलामती हो आपने कितनी खूबसूरत तीन जुमलों में तीन लफ्जों में कितने दरिया दरिया बकूज़ा कर दिया मुख्तर से जुमलों में सारी इबादत सारी इनकिसारियाँ सारी आजियाँ आपने बयान कर दी तो अल्लाह ने सलामती का पैगाम दिया और रमत आलमीन कितने मेहरबान सुम्मत पर आपने अर्ज़ किया मौलाम आलैना वाल इबादल सालअ सलामती हम पर भी हो और अल्लाह तेरे नेक बंदू पर भी सलामती हो तो अल्लाह तो सलामतियाँ भेजता है रहमत लाआमी ने मुजदा जहाँ फ़ाद सुना दिया अब बंदा जितना जितना अल्लाह की तरफ़ करीब होता है अल्लाह की तरफ मुतवजह होता है अल्लाह इस पर इतना मेहरबान होता है अब गुनागार इंसान जो है वह तोबा करता है तो हदीस भी बताती है कि अल्लाह उसको माफ़ी का परवाना अता फरमाते अल्लाह उससे राज़ी हो जाते हैं अब बंदा जो है ये परेशान होता है कि जी क्या करें गुनाह हो जाते हैं अब जब एक गुनाह हो जाता है तो उस गुनाह के बाद फिर और गुनाह उस गुनाह के बाद और गुनाह गुनाह पे गुनाह करता है और अल्लाह कितना मेहरबान है हदीस पाक में आता है जब बंदा गुनाह का इरादा करता है फरिश्ता लिखना चाहता है अल्लाह फरिश्ते को रोक देते हैं कि ऐ, मेरे फ़रिश्ते मुझे अपने बंदे की तोबा का इंतज़ार है तो इसका गुनाह ना लिख फरिश्ता रुका रहता है रुका रहता है रुका रहता है जब बंदा एक गुनाह के बाद तोबा नहीं करता दूसरा गुनाह कर लेता है तो इस पर अल्लाह कहते हैं कि मेरे फरिश्ते इसके पहले वाला गुनाह लिख लो पहले वाला गुनाह लिख लो और देखें ये बात कि जब नेकी का इरादा बंदा करता है एक नेकी का स्वाब मिलता है नेकी के इरादे के बाद नेकी कर लेता है तो अला हसबिन ना किसी को छब्बीस दर्जा किसी को पच्चीस दर्जा किसी को सत्ताईस दर्जा अजर मिलता है किसी को अजाफा मुजाफ़ा मिलता है दुगना दर दुगना और किसी को मिलता है सात सौ गुना किसी को करोड़ों के हिसाब से जैसी जैसी नीयत है उस पर उसको अजर मिलता है नेकोकार को और गुनागार जब इस गुनागार की बात आई तो पैमाना ज़रा थोड़ा तब्दील हो गया कि अगर गुनाह का इरादा करता है कुछ नहीं लिखा जाता दिल में गुनाह का ख्याल आता है कुछ नहीं लिखा जाता दिमाग में ख्याल आता है कुछ नहीं लिखा जाता प्रोग्राम बना रहा है कुछ नहीं लिखा जाता मनसूबा साजी कर रहा है गुनाह के लिए कुछ नहीं लिखा जाता सारे प्लान मनसूबे तैयार कर चुकता है इसके बावजूद कुछ नहीं लिखा जाता ता वक्त के गुनाह के अंदर मुबतला ना हो जाए जब गुनाह के अंदर मुबतला हो गया अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह फिर भी तोबा कर का इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है मेरा बंदा तोबा कर ले, तोबा कर ले ये बंदे के अतबार से मैंने हो सकता है कल्फ़ बोला है अल्लाह के यहाँ तो अल्लाह का इलम बड़ा अतम है अकमल है अल्लाह को मालूम है कि इसने करना क्या है लेकिन इस बंदे को अल्लाह ताला इसके जहन के मुताबिक कि भाई ये बंदा तोबा कर ले तोबा कर उतनी लिमिट इसको देते इतनी मोहलत देते हैं कि आने वाले गुनाह से पहले ये इस गुनाह की माफ़ी चाह ले और इसकी माफ़ी मांग ले जब माफ़ी मांग लेता है अल्लाह रब्लम ग़ूर रहीम माफ़ कर देते हैं उनकी माफ़ी के अंदाज ही कुछ नराले और अजीब हैं जैसे वो मशहूर वाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बनी इसराइल की वो गलत कार औरत जिसके नाम आमाल में कोई नेकी नहीं सहरा से गुज़र रही एक प्यासे कुत्ते की लटकती ज़ुबान पर नज़र पड़ी कि वो प्यास की वजह से बिलबिला रहा है ज़ुबान बाहर निकाल के हाँ पर है तो उसके दिल में ख्याल आया तो उसने अपने गले से दुपट्टा उतार निकाला पाँव से मोज़ा निकाला मोजे को उस दुपट्टे के साथ बांधा और कुएं में लटका दिया उस दुपट्टे और उस मोज़े के साथ जो पानी आया तो वो अपने मोज़े को हाथ से पकड़ कर उस कुत्ते की ज़ुबान के ऊपर उलट रही है उससे कुत्ते की ज़ुबान तर हुई प्यास बुझी और उसकी ज़ुबान मुँह के अंदर गई अब कुछ दिनों के बाद उस औरत का इंतकाल हो गया तो किसी को ख्वाब में आई कोई अज़ीज़ रिश्तेदार तो उससे पूछा कि तेरे साथ क्या बनी उसने कहा जी नाम आमाल में तो और कोई नेकी का काम नहीं लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सहरा से गुज़र रही थी तो एक बेज़ुबान मखलूक को मैंने इस तरह पानी पिलाया तो अल्लाह ने उस बेज़ुबान मखलूक को पानी पिलाने की वजह से मुझे बख्शिश और माफ़ी का परवाना अता फरमाया तो अल्लाह की जिस तरह शेख सादी का वो शेर भी है रहमत हक बहाना मी जोयद अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है कि इस बंदे को मैंने किस तरह माफ करना है इस बंदे को मैंने किस तरह देना है तो बंदा तोबा की तरफ बढ़े अल्लाह माफ़ करने वाले तो नेकोकार नेकी करे अजर मिलता है नेकी के बाद डबल मिल जाता है गुनागार गुना का इरादा करे कुछ नहीं लिखा जाता और गुनाह के बाद गुना कर ले तो तोबा का तोबा की इंतज़ार की जाती है और अगर गुनाह के बाद गुनाह कर ले तो फिर फरमाया पहले वाला गुनाह लिखा जाता है दूसरे वाले गुनाह की इंतजार होती है कि बंदा शायद तोबा कर ले तो अल्लाह आलमीन की रहमत बहुत वसी है अल्लाह आलमीन इस बंदे की तोबा का इंतजार कर दे तो बंदा अब परेशान होता है कि जी गुनाहों से तो कोई वक्त खाली नहीं भाई ये गुनाह जो इंसान करता है खता, मरकब मिनल मिनलखा व नशियान जो फरमाया गया कि इंसान का जो लफ्स है ये खता और नशियान से ही है नशियाँ से इंसान है तो भूल चोक तो होती है गलती कोताही तो होती है छोटी मोटी कोताहियाँ तो हो जाती हैं तो इस पर जब अल्लाह की तरफ मुतव होता है तो अल्लाह इस पर मेहरबान हो जाता और एक हदीस पाक बड़ी अजीब है, है मुस्लिम शरीफ किताबुलबिर की रिवायत है, फरमाया कि लम तुज अगर तुम गुनाह न करो कोई गुनाह न करो बिल्कुल साफ सुथरे रहो पाक साफ रहो लसाफ़, मलाई का अलाफुरुशिकुम तुम अपने बिस्तरों पे मौजूद हो तो फ़रिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर तुम्हारे हा, साथ हाथ मिलाएँ हैंड शेक करें सलाम करें मुसाफा करें फिर तो बंदा कितने ऊंचे दर्जे पे चला जाता है कि उससे कोई गुनाह नहीं होता इसे जिस इंसान से जितना गुनाह सादर हो जाए ख़ता का पुतला है फ़ौर अल्लाह की तरफ मुतवज़ हो जाए और अगर गुनाह कर ले हदीस पाक में आता है जब इंसान गुनाह कर लेता है तो उसके दिल में एक काला नुक्ता लग जाता है जब माफ़ी मांगता है तोबा करता है तो वो काला नुक्ता ख़त्म हो जाता है। और जब गुनाह करता है एक नुक्ता जम, जम गया उस पर जब दूसरा गुनाह किया एक और नुक्ता जम गया उस पर जब तीसरा गुनाह किया एक और नुक्ता जम गया गर्ज यह कि जब गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है तो उसके दिल के अंदर काले नुकते जमना शुरू हो जाते हैं। नुकता का लफ्स है नुकता तो सौदा काला नुकता जम है। यहां जाता है यहाँ तक के गुनाहों में लिथड़ जाता है दलदल में गुनाहों की दलदल दल में एक सरतापा पहले तो मैंने लफ्स बोला ना गुनाहों के दलदल में घुटनों तक अब घुटनों तक नहीं अब सर से पैर तक गुनाहों में लिथड़ जाता है तो इसका अंदर श्या हो जाता है जब अंदर स्याह हो जाता है तो इसके असरात इंसान के चेहरे पे पड़ते हैं इसकी नहूसत इंसान के चेहरे पे पड़ती है तो दूर से इंसान देखने वाला जो अहले नज़र हैं अहले बसीरत बसारत वाले तो देख लेते हैं कि भाई बंदे की क्या पोजीशन है लेकिन अहले बसरत भी जानते हैं कि जनाब ये बंदा किसी जुर्म में मुबतला ये जो कशफ का इल्म है इस कशफ के इल्म में यही बात तो होती है कि अहलुल्ला किसी आदमी के अंदर मौजूद जराम अल्लाह ताला उसको दिखा देते हैं कि ये बंदा इन इन जराम के अंदर मुबला है जैसे इमाम आजम अब हनीफा रहीम अल्ला किसी आदमी को वजू करते देखते तो अल्लाह ताला बाद बात आपको दिखा देता था कि ये किस जुर्म के अंदर मुबला है कश का इलम अल्लाह आपको अता फरमाया था यह किस गलती के अंदर मुबला है तो अपनी तरतीब पर उसकी असलाह भी फरमा देते थे ये कश् का इलम है जिस तरह अल्लाह ताली जिसको चाहे फरमाए इ्हाम कोई बात दिल में डाल दी इल्का कोई बात दिल में डाल दी वही का इल्म फ़रिश्ते के ज़रिए अल्लाह नबियों पर लाता है इसी तरह जो नबी नहीं है उनको कोई बात अल्लाह ने बताना होती है तो अल्लाह ताला इस तरह इल्का कर देते हैं या इहाम कर देते हैं या इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं होता तो अल्लाह ताली कश अता फ़रमा देते हैं उस बंदे की आँखें देखती हैं तो मालूमत है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो गुनागार गुना करता है इस तरह अंदर सयाह होता है तो चेहरे पे उसके असरा पड़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से नहूसते उसके चेहरे के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं इससे मुसलमान को ये चाहिए कि है मुसलमान तो अल्लाह का बंदा है तू जब मुसलमान बना तो एक दायरा खींचा ला अला महमद रसूल्ला ने यह दायरा खींचा कि इस दायरे के अंदर अब तो आ चुका अब नमाज़ पाँच वक्त की तेरे ऊपर फ़र्ज़ है नमाज पढ़ेगा तो तू नेकोकार मुसलमान है नमाज़ नहीं पढ़ेगा तू गुनागार मुसलम मुसलमान तो तू है लेकिन गुनागार मुसलमान है अब रमज़ान के रोजे साल के बाद तेरे ऊपर फ़र्ज हैं नहीं रखेगा गुनागार होगा इनकार करेगा काफिर बन जाएगा फिर इस्लाम से निकल जाएगा मैंने ही रोज़ों को मानता मैं नहीं नमाज को मानता जो इस तरह के दावे करेगा तो ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज समझा जाएगा खारिज हो जाएगा मर्त हो जाएगा मर्तद की सजा कत्ल महम्मदीन हो दीन हो फुलू जो अपने दीन को बदल डाले उसको कत्ल कर डालो तो इसलिए मुसलमान जब इस दायरे में आ गया तो जितने अहकाम खुदाबंदी हैं क़ुरान की आयत उसके ऊपर उनको मानना ज़रूरी और अल्लाह की जो बिन देखी चीज़ें उन पर ईमान उसका ज़रूरी जन्नत नहीं देखी ईमान ज़रूरी दोजख नहीं देखी ईमान ज़रूरी और मैदान मैशर नहीं देखा जबरील इसराइल इसफी मिकाइल को नहीं देखा गर्द ये कि बहुत सारी वो चीज़ें जो इंसान ने देखी नहीं तो जिनको कहते हैं यू अमीनू न बिल गैब बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाज़म हो जाता है तो अब ये मुसलमान बना तो अल्लाह के अहमाम ज़रूरी अवामर की पाबंदी ज़रूरी और नवाही जिनसे अल्लाह ने रोका है उन चीज़ों से इसका रुकना ज़रूरी जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया उन चीज़ों को अगर ये अमली जामा नहीं पहनाता तो यह गुनागार है जब गुनागार है तो अल्लाह की बारगाह में तोबा करे और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका उन चीज़ों से नहीं रुकता तो ये गुनागार है इसलिए इसको चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में तोबा करे अल्लाह यही चाहते तो अल्लाह ही तोबा कर के तो बतनसुआ तोबा भी मज़बूत और उसकी शायद मैंने कर दी कि पिछले ए पर नदामत हो और जिस गुना की तरफ़ बढ़ रहा है कदम रुक जाए और आइंदा ये आज़म इरादा करे कि मैंने कभी यह गुना नहीं करना सुबह नकल्लाब हमदी लदीम व मा